मूवी स्टार्ट होती है अमेजिंग सी एक खूबसूरत सी लड़की से, जो कि अपने घर जाती है। दिखने में वो पहले ही बहुत सैड लग रही होती है, पर बाद में पता चलता है उसके अपने घर वापस आने की वजह यही है कि उसके फादर की डेथ हो जाती है, जो कि वो अपने मामा से मिलकर बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। और इसके बाद उनके बीच कुछ बहस होती है और वो सीधा अपने रूम की तरफ जाती है। और भी सीन शिफ्ट होता है चर्च में, जहाँ पर सब उस लड़की के फादर के लास्ट रिचुअल्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं, और वहीं पर उस लड़की को बुलाया जाता है कि वो अपने फादर के लिए कुछ अच्छे अल्फाज कहें। और उसका एटीट्यूड देखकर कुछ और ही फील हो रहा होता है, कि जैसे उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। वो वहाँ पर खड़ी तो होती है कि अपने फादर के बारे में कुछ बातें कहें, पर उस बेचारी को कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से सबको अपोलोजाइज करके चली जाती है। और फिर यहाँ से वो वापस चली जाती है जहाँ पर उसकी जॉब है बोस्टन में, और वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा सैड होती है, परेशान होती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तो वो एक बिल्डिंग की छत पर जाकर काफ़ी सैड बैठी होती है, और वो अपने ख्याल में मगन होती है कि एकदम वहाँ पर एक और शख्स जो कि काफ़ी हैंडसम होता है, वो वहाँ पर आके काफ़ी शौक करता है, जबकि उसने उस लड़की को नहीं देखा होता। वहीं पर उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं, कुछ रोमांस होता है, और काफ़ी ज़्यादा अनबन होती है। और फिर सीन एक अमेजिंग सी मॉर्निंग की तरफ जाता है, जहाँ पर वो लड़की कुछ काम की तरफ अपना पैशन दिखा रही होती है। इसके बाद वो लड़की काफ़ी जल्दी में होती है, जो कि आपको पता चलेगा थी। तो मेरे पेरेंट्स एक घंटे तक घर नहीं, वो एक होमलेस इंसान होता है। और इसके बाद वो लड़की जो होती है वो उसको अपने घर इनवाइट करती है, पहले उसको खाना ऑफर करती है, फिर उसको अपने घर में इनवाइट करती है, जहाँ पर उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा नज़दीक बॉयफ्रेंड को कि उसके साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। और फिर हमें पता चलता है वो लड़की इस तरह की यूँ है क्योंकि उसके जो फादर हैं वो तो एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं, और उनमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, काफ़ी प्यार हो जाता है। और वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जहाँ पर लिली को कौन मिलता है, जो कि उसका फर्स्ट लव है, जो वो इग्नोर करके वापस चली जाती है अपने हस्बैंड के पास, जहाँ जिसके साथ वो शादी कर लेती है। लिली किसी बहाने से वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर वो उसका बॉयफ्रेंड जो है वो उन दोनों को एक साथ देख लेता है, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। सो यहाँ पर उनका काफ़ी झगड़ा होता है, बट लिली फिर भी उसको कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। बट वो उसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड उसको मिलने से नहीं अपने आप को रोक पाता वहाँ से, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसके हस्बैंड उन दोनों में शादी हो गई है, उसके करंट बॉयफ्रेंड के साथ और लिली में हो गई है शादी, जिसके बाद वो अचानक ही उसका फ़ोन गिरने पर उसके कवर में रखा हुआ उसके फर्स्ट बॉयफ्रेंड का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो उसको मिल जाता है, जिससे जो कि बॉयफ्रेंड उसका अब हस्बैंड है वो उसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। वहीं पर उस लड़के के सिस्टर के घर बेबी होता है, जहाँ पर वो काफ़ी इमोशनल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को नहीं रख पाता, और वो लिली को बहुत बुरे तरीके से दो तीन बार टॉर्चर भी करता है, जहाँ पर लिली उसके पीछे जाती है और वो उसको सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा देता है। जहाँ पर लिली थोड़ी कन्फ्यूज़ होती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, पर वो कुछ देर में समझ जाती है कि उसका असल में जो एंगर इशू है वो किस हद तक है, कि वो उसको किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर के बाद फिर भी वो अपने हस्बैंड के साथ खुशी के साथ रहना चाहती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो काफ़ी डिप्रेशन में होती है, काफ़ी परेशान होती है, जहाँ पर वो बड़े प्यार से अपने हस्बैंड के लिए कैंडल लाइट डिनर को प्रेपरेशन करती है, और वो लड़का वहाँ पर आता है, जहाँ पर उनको उनके शॉप के आर्टिकल की वो कुछ दिन रहती है, और उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो भी करे तो करे क्या। काफ़ी देर उसके साथ रहने पर वो उसको काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, उसको काफ़ी कंफर्टेबल फील करवाता है, पर फिर भी वो कुछ समझ नहीं पाती। वहीं पर लिली के हस्बैंड की जो सिस्टर है वो उसकी लिली की बेस्ट फ्रेंड भी होती है, वो आपस में बहुत प्यार से बात करते हैं, और वो दोनों को वो लिली को काफ़ी अच्छे से समझाती है कि एक बहन होने के नाते वो चाहती है कि वो उसके भाई के पास आ जाए, पर एक बेस्ट फ्रेंड होने के नाते वो चाहती है कि वो उसको छोड़ दे, क्योंकि उसका एंगर अपनी मदर के पास जाती है और वहाँ से अपने फादर की ग्रेव पर भी जाती है, जहाँ पर वो उनसे मिलकर हैप्पीली अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेकर अपने को देखते हैं। तो फिर वो उनका जो पहला प्यार है वो उसकी अट्रैक्शन वो उन दोनों को एक दूसरे के पास ले आती है, और फिर मूवी का एंड यही हो जाता है कि लिली लेती है अपने हस्बैंड से डिवोर्स और रहती है अपने फर्स्ट लव के साथ।